स्टेडियम का शिलान्यास की कृपा करके हम सबको अनुग्रहित करें। हम सब आपका अभिवादन करते हैं, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। नतमस्तक हैं हम आपके सोच के, आपके विजन के। और एक छोटी सी ऑडियो वीडियो देखते हैं हम लोग कि आखिर इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में क्या क्या खास है। वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने और निरंतरता वाले शहरों में से, जिसकी भारत की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी मान्यता है। दिव्यता और आध्यात्म से परिपूर्ण काशी, 2000 से भी अधिक मंदिरों, रमणीक घाटों और पवित्र तीर्थ स्थलों के लिए विश्व विख्यात है। माननीय प्रधानमंत्री और काशी के सांसद श्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में काशी में पिछले 9-10 सालों से अभूतपूर्व विकास की जो अविरल धारा बह रही है, उसमें एक और अहम अध्याय जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश, जहाँ क्रिकेट सितारों की एक लंबी श्रृंखला है, उन्होंने भारत को खासी प्रसिद्धि दिलाई है। इनमें शामिल है सुरेश रैना, मोहम्मद कैफ, पूनम यादव, आरपी सिंह, भुवनेश्वर कुमार, गोपाल शर्मा, प्रवीण कुमार, कुलदीप यादव, पीयूष चावला, रिंकू सिंह सहित कई खिलाड़ी। काशी का क्रिकेट स्टेडियम काशी को इस खेल का एक नया हब बनाएगा। यूपी के पूर्वी क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को लाइव मैचों का अनुभव करीब से मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे। साथ ही टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इस स्टेडियम को गंजरी गांव में 30 एकड़ के क्षेत्र पर बनाया जाएगा। स्टेडियम 30,000 की क्षमता वाला होगा, जिसका भविष्य में 40,000 तक विस्तार किया जा सकेगा। साथ ही होंगी खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं, 9 पिच, HD ब्रॉडकास्ट के लिए फ्लड लाइटिंग मास्ट, बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम, प्लग इन प्ले ब्रॉडकास्टिंग ढांचागत सुविधाएं, पार्ट रूफ, एक्सक्लूसिव नेट वाले प्रैक्टिस ग्राउंड और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह है। साउथ पवेलियन के ऊपर लेवल में एक विशिष्ट VVIP जोन होगा, जिसमें डाइनिंग की सुविधा वाले कॉर्पोरेट बॉक्स और लाउंज होंगे। स्टेडियम तक सुगम पहुंच के लिए डेडिकेटेड सड़कें और पाथवेज भी होंगे। काशी, जहां कण कण में शिवत्व है, वहां बन रहे वर्ल्ड क्लास स्टेडियम के स्थापत्य में बाबा विश्वनाथ से जुड़े प्रतीकों को खूबसूरती से समाहित किया गया है। जैसे भगवान शिव के मस्तक को सुशोभित करने वाले चंद्रमा को स्टेडियम के छत पर प्रदर्शित किया जाएगा। फ्लड लाइट मास्ट त्रिशूल के आकार के होंगे। मीडिया सेंटर डमरू के आकार वाला होगा। साथ ही बाबा भोलेनाथ के आध्यात्मिक चढ़ावे बेल पत्र को मुख्य भाग पर हर ओर एक हार के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। स्टेडियम से जुड़ी प्रवेश सीढ़ियों को वाराणसी के घाट की सीढ़ियों की तर्ज पर बनाया जाएगा। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव मानना है कि काशी का मिजाज है लगातार आगे बढ़ना, विकास को गतिमान रखना और अपनी ऊर्जा और उमंग से सबको प्रेरित करना। इसी कड़ी में काशी को मिलने जा रहा है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए नए अवसर और नई संभावनाएं सृजित करेगा। G20 की सफलता, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और चंद्रयान की उड़ान के बाद जो थोड़ी बहुत कमी बची थी, वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी कर दी और उसका परिणाम है आपके गगनभेदी नारे, जोरदार तालियां। आप सबकी तरफ से आह्वान करती हूँ, निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज इस अवसर पर हम सबको एक बार फिर अपने आशीर्वाद के छत्र साया से अभिसंचित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरा हरा
महादेव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी मंच पर विराजमान, यूपी सरकार के अन्य मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में मौजूद, देश के खेल जगत से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव और मेरे प्यारे काशी के परिवारजनों, आज फिर से बनारस आवे का मौका मिलल हो, जोन आनंद बनारस में मिलला ओकर व्याख्या असंभव है। एक बार फिर बोलिए, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे दिन काशी आया हूं जब चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट तक पहुंचने का भारत का एक महीना पूरा हो रहा है। शिव शक्ति यानी वो स्थान जहां बीते महीने की 23 तारीख को हमारा चंद्रयान लैंड हुआ था। एक शिव शक्ति का स्थान चंद्रमा पर है, दूसरा शिव शक्ति का स्थान ये मेरी काशी में है। आज शिव शक्ति के स्थान से शिव शक्ति के उस स्थान पर भारत की विजय की मैं फिर से बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, जिस स्थान पर हम सब इकट्ठा हुए हैं वह एक पावन स्थल जैसा है। यह स्थान माता विंध्यवासिनी के धाम और काशी नगरी को जोड़ने वाले रास्ते का एक पड़ाव है। यहां से कुछ दूर पर भारतीय लोकतंत्र के प्रखर पुरुष और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजनारायण जी का गांव मोतीकोट है। मैं इस धरती से आदरणीय राजनारायण जी और उनकी जन्मभूमि को सर झुका करके प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, काशी में आज एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। ये स्टेडियम न सिर्फ वाराणसी बल्कि पूर्वांचल के युवाओं के लिए एक वरदान जैसा होगा। ये स्टेडियम जब बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक साथ 30,000 से ज्यादा लोग बैठकर के मैच देख पाएंगे। और मैं जानता हूं, जब से इस स्टेडियम की तस्वीरें बाहर आई हैं, हर काशीवासी गदगद हो गया है। महादेव की नगरी में ये स्टेडियम, उसकी डिजाइन स्वयं महादेव को ही समर्पित है। इसमें क्रिकेट के एक से बढ़कर एक मैच होंगे। इसमें आसपास के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के
स्टेडियम में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मेरी काशी को होगा। मेरे परिवारजनों, आज क्रिकेट के जरिए दुनिया भारत से जुड़ रही है। दुनिया के नए नए देश क्रिकेट खेलने के लिए आगे आ रहे हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में क्रिकेट मैचों की संख्या भी बढ़ने जा रही है और जब क्रिकेट मैच बढ़ेंगे तो नए नए स्टेडियम भी जरूरत पड़ने वाली है। बनारस का ये इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इस डिमांड को पूरा करेगा। पूरे पूर्वांचल का चमकता हुआ ये सितारा बनने वाला है। यूपी का ये पहला स्टेडियम होगा जिसके निर्माण में बीसीसीआई का भी बहुत सहयोग होगा। मैं बीसीसीआई के पदाधिकारियों का काशी का एमपी होने के नाते, यहां का सांसद होने के नाते मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, जब खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इतना बड़ा स्टेडियम बनता है, तो सिर्फ खेल ही नहीं, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका सकारात्मक असर होता है। जब स्पोर्ट्स के ऐसे बड़े सेंटर बनेंगे तो उसमें बड़े स्पोर्ट्स आयोजन होंगे। जब बड़े आयोजन होंगे तो बड़ी तादाद में दर्शक और खिलाड़ी आएंगे। इससे होटल वालों को फायदा होता है, छोटी बड़ी खाने पीने की दुकान को फायदा होता है, रिक्शा ऑटो रिक्शा टैक्सी इनको भी फायदा होता है, हमारे नाव चलाने वालों को तो दो दो हाथ में लड्डू हो जाता है। इतने बड़े स्टेडियम की वजह से स्पोर्ट्स कोचिंग के नए सेंटर खुलते हैं, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सिखाने के लिए नए अवसर बनते हैं। हमारे बनारस के युवा नए खेल स्टार्टअप के बारे में सोच सकते हैं। फिजियोथेरेपी समेत स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सी पढ़ाई और कोर्सेज शुरू होंगे और एक बहुत बड़ी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी वाराणसी में आएगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, एक समय था जब माता पिता बच्चों को इस बात के लिए डांटते थे कि हमेशा खेलते ही रहोगे क्या, कुछ पढ़ाई वढ़ाई करोगे कि नहीं, यही हुड़दंग करते रहोगे क्या, यही सुनना पड़ता था। अब समाज की सोच बदली है। बच्चे तो पहले से ही सीरियस थे ही, अब माता पिता भी स्पोर्ट्स को लेकर के गंभीर हुए हैं। अब देश का मिजाज ऐसा बना है कि जो खेलेगा वही खिलेगा। साथियों, पिछले एक दो महीने पहले मैं मध्य प्रदेश का एक आदिवासी इलाका सहडोल के आदिवासी गांव में गया था। वहां मुझे कुछ नौजवानों से मिलने का अवसर मिला और मैं सचमुच में वहां का दृश्य और उनकी बातें सुनकर के इतना प्रभावित हुआ। उन युवकों ने मुझे कहा कि ये तो हमारा मिनी ब्राजील है। मैंने कहा, भाई तुम मिनी ब्राजील कैसे बन गए हो? बोले, हमारे यहां हर घर में फुटबॉल का खिलाड़ी है
और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि मेरे परिवार में तीन तीन पीढ़ी नेशनल फुटबॉल प्लेयर रही है। एक प्लेयर रिटायर्ड होने के बाद उसने वहां अपना जान लगा दी और आज हर पीढ़ी का व्यक्ति आपको वहां फुटबॉल खेलता नजर आएगा। और वो कहते हैं कि हमारा जब एनुअल फंक्शन होता है तो कोई घर में आपको नहीं मिलेगा, इस पूरे इलाके के सैकड़ों गांव और लाखों की तादाद में लोग दो दो चार चार दिन मैदान में डटे रहते हैं। ये कल्चर उसे सुनकर के देख करके देश के उज्जवल भविष्य का विश्वास मेरा बढ़ जाता है। और काशी का सांसद होने के नाते मैं यहां आए बदलावों का भी साक्षी बना। सांसद खेल प्रतियोगिता के दौरान जो उत्साह यहां रहता है उसकी जानकारी मुझे लगातार पहुंचती रहती है। काशी के युवा स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम कमाए, मेरी यही कामना है। इसलिए हमारा प्रयास वाराणसी के युवाओं को उच्च स्तरीय खेल सुविधाएं देने का है। इसी सोच के साथ इस नए स्टेडियम के साथ ही सीगरा स्टेडियम पर भी करीब 400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सीगरा स्टेडियम में 50 से अधिक खेलों के लिए जरूरी सुविधाएं विकसित की जा रही है। और इसकी एक और खास बात है, ये देश का पहला बहुस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा जो दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इसे भी बहुत जल्द ही काशी वासियों को समर्पित किया जाएगा। बड़ालालपुर उसमें बना सिंथेटिक ट्रैक हो, सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट हो, अलग अलग अखाड़ों को प्रोत्साहन देना हो, हम नया निर्माण तो कर ही रहे हैं पर शहर की पुरानी व्यवस्थाओं को भी सुधार रहे हैं। मेरे परिवारजनों, खेलों में आज भारत को जो सफलता मिल रही है वो देश की सोच में आए बदलाव का परिणाम है। हमने स्पोर्ट्स को युवाओं की फिटनेस और युवाओं के रोजगार और उनकी कैरियर से जोड़ा है। 9 वर्ष पहले की तुलना में इस वर्ष केंद्रीय खेल बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के बजट में तो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70% वृद्धि की गई है। सरकार आज स्कूल से लेकर ओलंपिक पोडियम तक हमारे खिलाड़ियों के साथ टीम मेंबर बनकर साथ चलती है। खेलो इंडिया के तहत देश भर में स्कूल से यूनिवर्सिटी तक की खेल प्रतियोगिताएं हुई है। इनमें बड़ी संख्या में हमारी बेटियों ने भी हिस्सा लिया है। सरकार कदम कदम पर खिलाड़ियों की हर संभव मदद कर रही है। ओलंपिक पोडियम स्कीम भी ऐसा ही एक प्रयास है। इसके तहत देश के शीर्ष खिलाड़ियों को सरकार पूरे साल में खाने पीने फिटनेस से लेकर ट्रेनिंग तक लाखों रुपए की मदद देती है। इसका परिणाम हम आज हर अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन में देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने इतिहास रचा है। इन गेम्स के इतिहास में कुल मिलाकर भारत ने
जितने मेडल जीते थे पिछले कई दशकों में, उससे ज्यादा मेडल सिर्फ इस बार इस साल जीत करके हमारे बच्चे ले आए हैं। वैसे आज से एशियन गेम्स भी शुरू हो रहे हैं। एशियन गेम्स में हिस्सा लेने गए सभी भारतीय खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत के गांव गांव में, कोने कोने में खेल प्रतिभाएं मौजूद है, खेलों के महारथी मौजूद है। जरूरी है इन्हें तलाशना और इन्हें तराशना। आज छोटे गांवों से निकले युवा पूरे देश की शान बने हुए हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारे छोटे शहरों के खिलाड़ियों में कितना टैलेंट है, कितनी प्रतिभा है। हमें इस टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने हैं। इसलिए खेलो इंडिया अभियान से आज बहुत कम उम्र में ही देश के कोने कोने में टैलेंट की पहचान की जा रही है। खिलाड़ियों की पहचान करके उन्हें इंटरनेशनल लेवल का एथलीट बनाने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। आज इस कार्यक्रम में बहुत से दिग्गज खिलाड़ी हमारे बीच विशेष तौर पर पधारे हैं। स्पोर्ट्स की दुनिया में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। काशी से ये स्नेह दिखाने के लिए मैं उन सबका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। मेरे परिवारजनों, आज खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे कोच और अच्छे कोचिंग का होना उतना ही जरूरी है। यहां जो दिग्गज खिलाड़ी मौजूद है वो इसकी अहमियत जताते हैं और इसको जानते हैं। इसलिए आज सरकार खिलाड़ियों के लिए अच्छी कोचिंग की व्यवस्था भी कर रही है। जो खिलाड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में खेल कर आते हैं, जिन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, उन्हें बतौर कोच काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में बीते कुछ वर्षों में युवाओं को अलग अलग खेलों से जोड़ा गया है। साथियों, सरकार गांव गांव में जो आधुनिक खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है, उससे गांव के छोटे कस्बों के खिलाड़ियों को भी नए मौके मिलेंगे। पहले बेहतर स्टेडियम सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों में ही उपलब्ध थे। अब देश के हर कोने में, देश के दूर सुदूर इलाकों में भी खिलाड़ियों को ये सुविधाएं देने की कोशिश हो रही है। मुझे खुशी है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, उसका बहुत अधिक लाभ हमारी बेटियों को हो रहा है। अब बेटियों को खेलने के लिए, ट्रेनिंग के लिए घर से ज्यादा दूर जाने की मजबूरी कम हो रही है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में खेल को उसी कैटेगरी में रखा गया है जैसे साइंस, कॉमर्स या दूसरी पढ़ाई हो। पहले खेल को सिर्फ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी माना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब स्पोर्ट्स को स्कूलों में बकायदा एक विषय की तरह पढ़ाए जाना तय हुआ है। ये हमारी सरकार है जिसने देश की पहली नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में स्थापित की है। यूपी में भी स्पोर्ट फैसिलिटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। गोरखपुर के स्पोर्ट्स कॉलेज के विस्तार से लेकर
मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी बनाने तक हमारे खिलाड़ियों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर बनाए जा रहे हैं। साथियों, देश के विकास के लिए खेल सुविधाओं का विस्तार बहुत आवश्यक है। ये ना सिर्फ खेलों के लिए बल्कि देश की साख के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोग दुनिया के कई शहरों को सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि वहां पर बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ। हमें भारत में भी ऐसे सेंटर बनाने होंगे जहां ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन किए जा सके। यह स्टेडियम जिसकी आधारशिला आज रखी गई है, खेलों के प्रति हमारे इसी संकल्प का साक्षी बनेगा। ये स्टेडियम बस ईंट और कंक्रीट से बना हुआ एक मैदान नहीं होगा, बल्कि ये भविष्य के भारत का एक भव्य प्रतीक बनेगा। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि हर विकास कार्य के लिए मेरी काशी अपना आशीर्वाद लिए मेरे साथ खड़ी रहती है। आप लोगों के बिना काशी में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। आपके आशीर्वाद से हम काशी के कायाकल्प के लिए इसी तरह विकास के नए अध्याय लिखते रहेंगे। एक बार फिर काशी के लोगों को, पूरे पूर्वांचल को क्रिकेट स्टेडियम के शिलान्यास की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हर हर महादेव। धन्यवाद।